स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। खबर भीलवाड़ा से है, जहां भीलवाड़ा को ऐसा लगता है किसी की नजर सी लग गई है। क्योंकि मैं ये इसलिए बोल रही हूं, बार बार यहां पर माहौल खराब किया जाता है असामाजिक तत्वों द्वारा। शहर की जिला को खराब करने की फिर से साजिश हुई है। जी हाँ, आपको बता दें कि इस बार बहुत ही प्लानिंग से, योजनाबद्ध तरीके से आरएसएस के कार्यकर्ता देवेंद्र हाड़ा पर चाकू से हमला किया गया। बताते चलें कि नवंबर महीने में भीलवाड़ा में 5 दिवसीय बागेश्वर सरकार की हनुमान कथा का भी भव्य आयोजन होना है, और ऐसे में भीलवाड़ा प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि जिस तरह से शहर में त्योहार तमाम धार्मिक आयोजनों को टारगेट किया जाता है और देर रात विरोध प्रदर्शन भी इस पूरे मामले को लेकर किया गया, वहीं एक कार को आग के हवाले कर दिया गया जिसे पुलिस ने त्वरित रूप से बुझाया। एडिशनल एसपी पारस जैन ने हिंदू संगठनों से समझाइश भी की है और इसी मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर संवाददाता स्वतंत्र राजपुरोहित। स्वतंत्र, क्या कुछ जानकारी लगातार देखा जाता है, भीलवाड़ा जैसे अड्डा सा बन गया जहां पर असामाजिक तत्व यहां पर इस तरह के पथराव की चाहे घटना हो, कारों को आग के हवाले करना हो, ये ऐसे मामले सामने आते हैं। जी अभी कल देर रात 10:30 बजे की ये घटना बताई जा रही है। भीलवाड़ा एमजी हॉस्पिटल का जो पीछे का गेट है, वहां पर एक चाय की जो थड़ी थी, जो किसी देवेंद्र हाड़ा इसको चलाता था, वही अचानक से करीब 70 से 80 असामाजिक तत्वों द्वारा वहां पर हमला किया गया। और उस हमले में देवेंद्र हाड़ा के चाकू लगने की भी सूचना सामने आई थी, जिसके बाद भारी संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता वहां मौके पर पहुंचे और वहां पर प्रदर्शन और जय बजरंगी के नारे भी लगाए गए। और वहीं पुलिस प्रशासन को कहा गया कि आए दिन हिंदुओं के जब भी त्योहार आते हैं उसके ठीक पहले ऐसी वारदातें होती है। अभी हाल ही में गाय की पूंछ को गाड़ के मंदिर पे डाल दिया गया था। जहाजपुर में व्यवहार निकालते समय उनके ऊपर पथराव किया गया था जुलूस के ऊपर, और फिर अभी दीपावली का त्योहार नजदीक है और फिर इस तरह की घटना का होना कहीं ना कहीं हिंदुओं के त्योहारों को टारगेट किया जा रहा है। स्वतंत्र, फिलहाल स्थिति क्या कुछ बताई जा रही है और किस तरह से ये शुरू हुआ, जब कल बीते दिन का अगर ये मामला मैं बता रही हूँ, जो पथराव भी हुआ, कार को आग के हवाले कर दिया गया, क्या कुछ जानकारी पुलिस फिलहाल प्रथम दृश्य क्या कुछ कह रहा है और फिलहाल स्थिति क्या कंट्रोल में है? अभी स्थिति कंट्रोल में है। मौके पर एडिशनल एसपी पारस जैन खुद मौजूद थे, उनके पुलिस जाब्ते के ऊपर उनके ऊपर भी सामने से पथराव किया गया जिसकी स्थिति को नियंत्रण किया गया। वहीं पे ही एक कार, दो कारों को आग के हवाले किया, जिसमें एक कार को तो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको आग को बुझा दिया गया था। और अभी विश्व हिंदू परिषद के जो विजय ओझा है, उनका ये कहना था कि आए दिन हिंदुओं के जो त्योहारों को टारगेट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं एक साजिश कोई रचा है, तो उस प्रशासन को चाहिए कि उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इन ऐसे गैर जो उपद्रवी है उन पर कठोर कार्रवाई करे और उन्हें हिरासत में लेके उन पर रसूखा लागू करे। ठीक है, और बहुत शुक्रिया स्वतंत्र राजपुरोहित जानकारी के लिए। तो भीलवाड़ा में एक बार फिर से माहौल खराब करने की कोशिश की गई है, आरएसएस कार्यकर्ता पर चाकू से हमला किया गया, और जैसे ये लग भी रहा है कि भीलवाड़ा को किसी की नज़र लगे, क्योंकि जिस तरह से त्योहार जब आते हैं, कोई धार्मिक आयोजन होना होता है और उनको जब टारगेट किया जाता है, तो ये सवाल प्रशासन पर भी और तमाम लोगों पर खड़ा होता है उन असामाजिक तत्वों पर, कि हालांकि इस तरह के असामाजिक तत्वों को जब उनका पता पुलिस को चलता है तो संदिग्धों को हिरासत में भी लिया जाता है, उनसे पूछताछ भी की जाती है, लेकिन फिलहाल भीलवाड़ा की स्थिति नियंत्रण में है, प्रशासन मुस्तैद खड़ा है क्योंकि दीपावली का वक्त है, तो इस तरह प्रशासन ऑलरेडी जो तमाम परिसर है भीलवाड़ा का वहाँ पर मौजूद रहता है और ऐसे असंदिग्धों पर नज़र भी रखता है।